हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 रियल नंबर्स, उसकी दो तीन वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्शन क्लियर कर दिया है। क्वेश्चंस करना आपका काम है, ज्यादा हार्ड चैप्टर तो वो मुझे नहीं लगता है। अगर लेकिन अगर आपके पास क्वेरी आती है तो आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपको वहीं पर क्वेरी क्लियर हो जाएगी। आ भी रही है कुछ बच्चों की क्वेरी और वो क्वेरीज हमने क्लियर भी करी है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन बेस्ड नहीं है। वो नॉर्मली क्वेश्चन में से एक दो लाइन नहीं है समझ में आए तो सर ये कैसे होगा, तो उसको हम नॉर्मली व्हाट्सएप के थ्रू या पर्सनलाइज तरीके से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू है बेटा जी आपका पॉलीनोमियल्स। व्हाट इज पॉलीनोमियल, वही वाली बात सिंपल सी भाषा में। सर चैप्टर वन में भी आपसे ये चीज पूछी गई थी और आज भी आप ये चीज पूछ रहे हो। मैं हमेशा ये चीज पूछता हूँ और मेरा मानना भी यही है कि अगर आपका क्या है क्वेश्चन चैप्टर का नेम का मतलब समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चैप्टर में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि आपको वो चीज पता ही नहीं है कि वो है क्या। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं इसलिए वजह से पूछता हूँ कि पॉलीनोमियल्स क्या, व्हाट आर पॉलीनोमियल्स। सर पॉलीनोमियल्स नॉर्मली होते क्या है, तो पॉलीनोमियल्स क्या बेटा, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो एक वेरिएबल में होगी, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, क्योंकि नाइन्थ क्लास में भी आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो, इसलिए ही मैं थोड़ा सा नॉर्मली वैसे बता रहा हूँ कि उसकी जो पावर होती है ना तो वो क्या होती है, ना तो वो नेगेटिव होती है, ना ही वो अपॉन में होती है, ना ही वो रूट में होता है। इन द सेंस कहने का मतलब है कि अगर मैं बात कहता हूँ कि y की पावर -3/2 + y + 1, क्या ये पॉलीनोमियल होगा? सर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव भी है और अपॉन में भी है। सर अगर वो मुझसे कहे कि √x + x + 3, क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि रूट को हटा के 1/2 लिख देंगे, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि एक वेरिएबल का यूज हो, दूसरा क्या है कि उसकी जो पावर हो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना वो अपॉन में होनी चाहिए, इट मीन्स p/q की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, ना ही वेरिएबल रूट में होना चाहिए। ठीक है, इट मीन सर सिंपल सीधी भाषा में कि प्लस में होना चाहिए सब कुछ। इन द सेंस क्या है कि जो उसकी पावर होनी चाहिए वो हमेशा एक बढ़ते हुए या नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्या, अब बात करता हूं थोड़ा सा पॉलीनोमियल्स के आगे भी। अभी तक पॉलीनोमियल्स हमने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है सर? सर छोटी क्लासेस में हमारे पास आता था, याद आया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, और क्वाड्रोनोमियल। टर्म्स के नंबर के अकॉर्डिंग, देखो टर्म्स पर डिपेंड करता है, एक तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स होता है, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है। एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स हो गया, एक अकॉर्डिंग टू पावर कह दीजिए या फिर डिग्री कह दीजिए। ठीक है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा जी, जिसमें एक टर्म होती है उसको कहा जाता है मोनोमियल, दो टर्म वाले को कहा जाता है बायनोमियल, तीन वाले को कहा जाता है ट्राइनोमियल, अगले वाले को कहा जाता है क्वाड्रानोमियल। ठीक है, अगले वाले को कहा जाएगा पेंटानोमियल। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पावर की बात करूं तो नॉर्मल सी बात है कि पावर्स में हमारे पास क्या आता है, पहला क्या आता है, लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री या पावर वन हो, यानी कि ax + b, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे की तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारे कितनी होगी सर, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। थर्ड वन है क्यूबिक पॉलीनोमियल, ax³ + bx² + cx + d। फोर्थ वन होता है बेटा बाय क्वाड्रेटिक, ax³ + bx³ + cx² + dx + e। तो कुछ इस तरीके की हमारी आगे भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा आगे नहीं होता, आगे भी होता है। मैंने यहां पर इसलिए रोका क्योंकि अभी तक आपने लीनियर 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ चुके हो। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात ऐसी है कि हमने
नाइन्थ में भी पढ़ा है सर, टेंथ में भी हम इन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टेंथ क्लास में ये जो क्यूबिक वाला सेक्शन है ये डिडक्ट हो रहा है, इट मींस ये चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, तो नॉर्मल सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे आते हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से ही रिलेटेड है, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर मैं देखता हूं, देखो कैसे है? देखो अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का मतलब क्या है? देख क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या सीन है कि क्वाड्रेटिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी जनरल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये मेरा पॉलीनोमियल है, ठीक है। ये इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे आपके दो चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी पॉलीनोमियल्स और एक जा रहा है बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके सॉल्यूशंस के बारे में, सर किस तरीके के इसके सॉल्यूशंस होते हैं या सर थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें एक एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 10, और ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बहुत सारे हैं ऐसे। अब बात करते हैं सर इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो सॉल्यूशंस को तो थोड़ा बाद में बात करते हैं, बात करेंगे कि सर सॉल्यूशंस, देखो तीन वर्ड्स लिख रहा हूं बहुत सारे ऐसे हैं, तो एक तो सॉल्यूशन हो गया, एक जीरोस हो गया, एक हो गया आपका रूट्स, ये तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है, सॉल्यूशन रूट्स या फिर क्या जीरोस, इसका मतलब क्या है कि इसमें से अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा, देखो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमने सर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 ये किया हुआ है आप लोगों ने, तो कोई ज्यादा हार्डनेस मुझे नहीं लगता कि इसको लगेगा आपको समझने में, ठीक है ना। ये हो गया, अब हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि सर जब भी हमको क्या करना होता है इसको जीरोस निकालने होते हैं, तो हम पॉलीनोमियल्स को या इस तरीके से जीरो के बराबर रख देते हैं, तो आपके रूट सॉल्यूशंस क्या जाएंगे -3 और -2, तो इन्हीं को बोला जाता है सॉल्यूशंस रूट्स, ठीक है। इसी तरीके से अब सर ये तो ठीक है, चलो आपने एक नंबरिंग फॉर्म में दे दिया, एक हमें आपको ने इस तरीके से दे दिया, लेकिन अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है तो हम इसके रूट्स मानेंगे क्या? मान लीजिए जैसे कि हमने अभी आपको जनरल इक्वेशन क्या बताई, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बताया, इसके दो रूट्स होंगे नॉर्मल सी बात है, इसको कहेंगे एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा नाम दे दिया गया, अल्फा क्या है सर बीटा क्या है, दीज आर लाइक मतलब एक कांस्टेंट कह सकते हैं, नॉर्मली एक कांस्टेंट ही होते हैं, एक कहीं कहीं यूज किए जाएंगे एंगल्स के तौर पर भी यूज में यूसेज में मिलेंगे आपको। तो बात करते हैं देखो इन दोनों से रिलेटेड अब मैं बात कर रहा हूं बेटा आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट की, ठीक है। अब सर मान लीजिए जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, आपको ये इक्वेशन उसने क्वेश्चन में दे दी, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सिंपल सीधी सी भाषा में क्या कह रहा है वो कि पहले तो इसके रूट निकालो और फिर इन रूट्स और वेरिएबल्स ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप शो करो। उससे पहले रिलेशनशिप के बारे से पहले मैं आपको यहां पर क्या क्लियर करना चाह रहा हूं कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बनी कैसे, तो उसके लिए हमने आपको यहां पर मैं दो फॉर्मूले क्लियर करता हूं आपको कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इन देखो ध्यान से देखो कि अगर जो इसके सॉल्यूशन होते हैं यानी कि जो सॉल्यूशंस हैं और जो हमारी इक्वेशन है इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप क्या है देखो,
अगर मैं इन दोनों के जीरोस को प्लस करता हूं, इन दोनों के जीरोस को मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो रहा है यहां पर आपका। दूसरा फॉर्मूला कि अगर मैं इन दोनों को सर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फॉर्मूला बनता है सी अपॉन ए। बिल्कुल क्लियर है बात, चले आगे वो बिल्कुल ठीक है। अब देखो सर, आप तो ये बता रहे हो प्लस माइनस प्लस और इनटू, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि निकलता कैसे है, ये आया कहां से। तो उसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, विच इज थर्ड फॉर्मूला यहां पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब समझ में आया मैंने क्यों आपको ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इससे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन भी साथ साथ क्लियर हो रहा है। देखो अब वो ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि मेरे जीरोस भी निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई भी करो। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मेरा वो क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं। देखो मैं साथ में आपके यहां पर लिख दूंगा जो चीज पहले भी लिखी हुई थी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड फॉर्मूला था ये। ठीक है, देखो ये तीन फॉर्मूला आपको मैंने बताए, और मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर कर रहा हूं। तो पहले तो जीरो निकालेंगे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, ये एक इक्वेशन है, फैक्टराइज करना आता है आपको। सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस ये वाला साइन कौन सा है, कि प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस करके लाना है हमको, थ्री और इंटू होनी चाहिए, सॉरी माइनस आएगा यहां पर, माइनस आना चाहिए, माइनस करके लाना है, थ्री और इंटू होनी चाहिए टेन। तो एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव एक्स माइनस के टू एक्स और माइनस के टेन, थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस के टू एक्स माइनस के टेन, x कॉमन आ गया तो x प्लस के 5 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस के 5 हो जाएगा, x प्लस के 5 एंड x माइनस के 2। ठीक है, ये इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि ये चीज आपको बहुत पहले से आती है, इस क्लास में भी करी है, सेवेंथ में भी करी है, टेंथ में भी करी है, नाइन्थ में भी करी है। ठीक है, अब देखो फाइंडिंग द जीरो हमने नाइन्थ क्लास में सीखा था, नाउ x प्लस 5 को भी जीरो के बराबर रख दीजिए और x माइनस 2 को भी जीरो के बराबर रख दीजिए, x की वैल्यू माइनस फाइव आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। क्लियर हुई बात, चले आगे को, बिल्कुल आगे चलो सर। अब देखो ये सॉल्यूशन या रूट्स ही तो हैं, और यहां पर मैंने आपको रूट्स क्या बताया था, एक अल्फा बताया था, एक बीटा बताया था, किसका, अगर मेरी जनरल इक्वेशन ये है तो ये नॉर्मल सी बात है, ये भी तो जनरल इक्वेशन है, इसको भी तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो मैं इसको अल्फा कह दूं और इसको बीटा कह दूं, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है रिलेशनशिप दिखाओ बेटा, रिलेशनशिप या वेरिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रिलेशनशिप या वेरिफिकेशन। रिलेशनशिप का सीन क्या है, यानी कि सर इसके बीच में, इसके इन सबके बीच में मुझे रिलेशनशिप दिखानी है, इन फॉर्मूले के बीच में मुझको क्या दिखाना है, रिलेशनशिप दिखानी है। तो देखो सिंपल सीधी सी भाषा में अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को कंपेयर भी कर दो, ए बी सी की वैल्यू भी ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास इन तीन फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, अल्फा बीटा ए प्लस ए बी और सी, तो इनको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर क्या कंपेयर एक्स कंपेयर या ऐसे लिख दीजिए, कंपेयर द पॉलिनोमियल विद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो देखो ए की जगह क्या है मेरे पास, यहां पर वन है सर, जब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, वन होता है, कई बार बच्चा जीरो ले लेता है यहां पर। बी की वैल्यू क्या है सर, प्लस थ्री है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस टेन है, क्योंकि यहां प्लस और यहां माइनस है। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस फाइव, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस टू, माइनस फाइव और ये हो जाएगी प्लस टू, तो ये हो जाएगी प्लस टू बराबर माइनस बी माइनस थ्री
अपॉन वन। अब इसको सॉल्व करके मेरा माइनस थ्री आना चाहिए और खुद ही देख लीजिए प्लस माइनस माइनस और माइनस का बढ़ाया तो माइनस थ्री बराबर माइनस थ्री हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई। अब आ जाओ सर दूसरे वाले फॉर्मूले पे विच इज अल्फा इनटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा जी हमारे पास माइनस फाइव मल्टीप्लाई टू बराबर सी क्या है माइनस टेन अपॉन वन, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस टेन बराबर माइनस टेन आ जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली दो नंबर में आता है, एक नंबर ये रहा आधा नंबर ये रहा और आधा नंबर आपका ये रहा, दो नंबर में ढाई नंबर में इस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या आती है हमारे पास, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। सर इसमें ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं हुआ, ये फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में करेंगे अभी। अब देखो सर फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इससे पहले क्लियर हो गया, उसमें हमारा क्या था कि हमारे पास एक कंडीशन थी जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के थ्री एक्स माइनस के टेन लिया था मैंने। इसमें क्या था सर, उसमें क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्या पॉलीनोमियल। सिंपल सीधी सी भाषा में कि हमारे पास पहले तो इसके जीरो निकालने हैं और फिर जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखानी है, तो वो रिलेशनशिप हमने दिखाई। अभी क्वेश्चन करते हुए हमारे दिमाग में याद आ गया सर ये थर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, सर ये थर्ड इक्वेशन जो आपने हमको दी है क्यों दी है क्यों दी, तो उसका यूज सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि अगर मैं आपको दो नंबर्स दे देता हूं, एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको दे दिया नंबर माइनस फाइव और सिक्स, वो कह रहा है दो नंबर्स हैं और ये दो नंबर्स मेरे ध्यान रखिएगा एज द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन इज दैट कि बच्चा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझता नहीं है, उसमें साफ साफ दिया होता है कि द गिवन टू नंबर्स आर एज द सम ऑफ द पॉलीनोमियल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीनोमियल। लेकिन बच्चा क्या कर जाता है कि सर इसको अल्फा ले लिया इसको बीटा ले लिया, नहीं इसको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको दे रहा है कि पहला नंबर अगर मैं इसके जीरोस को अगर किसी पॉलीनोमियल के जीरोस को अल्फा बीटा मान लूं, अल्फा बीटा मान लिया मैंने, वो कह रहा है पहला नंबर सम ऑफ जीरोस है यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस फाइव है, दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है विच इज सिक्स है, क्लियर है ना बात। तो अब मुझको क्या करना है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनानी है। नाउ वी नो दैट सीधा लिखेंगे, डरने वाली बात नहीं है, वी नो दैट क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस के अल्फा इनटू बीटा यानी कि माइनस के 5 प्लस 6, तो सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपके पास यहां पर मैंने 2 पॉइंट नॉर्मली जो हमारा 2 सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को यहां पर मैंने कांसेप्चुअल बेस क्लियर करा है। अब बात आती है कि अगर बात आती है कि मुझको सेकंड चैप्टर सर हमको नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि सर ये तो हम बहुत इजी सा चैप्टर है या नॉर्मली हमको किया हुआ है कि हमने सर ये तो किया हुआ है हमारे सिलेबस में आया हुआ है पहले, और अगर आप ये चाहते हो कि कोई और सा चैप्टर मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, फिर मैं क्या करूंगा वही है कि कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नेम को डालो, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम वही चैप्टर को शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज ये है कि साथ साथ ये भी चलता रहेगा और उस चैप्टर के लिए भी आपके लिए हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ये भी समझते रहो वो भी समझते रहो, तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा भाई ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्लियर मतलब क्लियरली शेयर करा करिए, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहते हैं ना बच्चे कैसे डर जाते हैं मतलब क्या हुआ आप करेंगे या नहीं करेंगे, दूसरे चैनल तो नहीं सुनते। अगर आपकी रिकमेंडेशन